वहाँ पर एक जेल था जहाँ पे ह्यूमन राइट का बहुत उल्लंघन हुआ है। उस जेल में लगभग 3000 महिलाओं को भी बंदी बना दिया और लगभग 2 साल रेप किया गया। बाद भी जब उनके बच्चे हो गए ना, याद रखिएगा ना, देहात में कहावत कहा जाता ना कि आज बबुआ का सामत आया हुआ है। नहीं कहता है, जब कोई पिटाने वाला होता है ना, लोग कहते हैं उर्दू वर्ड है, सामत आया हुआ है, आज तू पिटेबा बाबू। तो सामत आया था इराक का, आ इराक जाके टकरा गया अमेरिका से, अमेरिका मारा धज्जी उड़ा दिया, मार के क्या कर दिया, धज्जी उड़ा दिया है, इराक में मार दिया। और हम लोग अपने आतंकवादियों को अगर कहीं मार देंगे तो बोलेगा कि हत्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, मानवाधिकार ये है वो है, मारा सब, 27 देश मिल के बम गिराया सब, किसके ऊपर, इराक के ऊपर, तहस नहस कर दिया। उसके बाद वहां कौन आतंकवादी आए सब, ISIS। वहां पर एक पता नहीं कौन सरगर्जर ऐसा एक जगह था, वहां जेल था जहां पे ह्यूमन राइट का बहुत उल्लंघन हुआ है। यहां पर उस जेल में लगभग 3000 महिलाओं को भी बंदी बना दिया गया था और लगभग 2 साल उनको बहुत यातनाएं दी गई, कुत्तों से कटाया गया उनको, मतलब उनके साथ सामूहिक रेप किया गया। और उसके बाद भी जब उनके बच्चे हो गए ना, जेल से रिहा हो गई ना, तो उनके घर वाला गोली मार दिया सर, ऑनर किलिंग, समाज में कौन सी रहोगी यहाँ पे, कोई बोल दे अमेरिका को नहीं। और हम लोग से सवाल पूछता है, आप लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं, नक्सलाइटों को क्यों मार रहे हैं, इनको घरे में बैठाइए, तोरे आ जाओ घरे में बैठा, ओसामा बिन लादेन को बैठाओ ना घरे में, क्या दिक्कत था तुमको, अपने ओसामा बिन लादेन को खोज के मारा। और हम लोग नक्सल के खिलाफ एक्शन ना ले, सऊदी अरब अभी वहाँ पे बहुत गर्म हवा चल रही है सिमूम, और सऊदी अरब में इतना ज़्यादा सिमूम का प्रभाव देखा गया और इतनी गर्म हवाओं का प्रभाव देखा गया कि जो हज यात्रा पे गए थे भारत से लोग और विभिन्न देशों से हज यात्रा पे गए थे, मिस्र वगैरह अलग अलग देशों से हज के लिए जाते हैं, तो हज एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है और कई डिस्टेंस तय करना होता है यहाँ पे। अब पूरा खुला मैदान, इतनी गर्मी, इतना हीट वेव कि मतलब लगभग 600-700 अलग अलग कंट्री के लोगों के जो नागरिक थे जो हज करने गए थे गर्मी की वजह से डेथ कर गए। और वहां पे तो कोई किसी का जान पहचान का नहीं रहता, कोई कहीं पे भी, ये तो मैनेजमेंट का काम है, लेकिन गर्मी इतनी भयानक।